जीवन भर दुख ही दुख है। जहाँ बहुत पुस्तकें होते हैं उस दर पुस्तकाल है, जहाँ दूध होता है दुग्धाल है, औषध होती है तो औषधाल है। ऐसे इस संसार को दुखालय का है। जो जो दुखालय संसार में सुखी होना चाहता है वो बेवकूफ है। जहाँ दुख और सुख स्वप्ना हो जाता है और संसार का स्वामी अपना हो जाता है, ऐसे ज्ञान को धारण कर ले तो तेरे लिए संसार वासुदेवमय हो जाएगा। एक प्रयोग करो, सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, जीभ तालू में लगा दो और श्वास अंदर जा रहा है उसको देखो और उसमें प्रभु का नाम भरो ओम। बाहर आता है उसको गिनो, एक श्वास भी बिना गिनती के ना जाए तो इस दुखालय को नारायणालय बनाने की तरकीब आपके हाथ में दिला दूंगा। पानी का सरोवर है और दूध से भरा हुआ तुम्हारे पास बर्तन है। अब सरोवर में भरा हुआ बर्तन दूध का डाल दोगे तो दूध भी बेकार पानी भी बेकार। उसी भरे हुए बर्तन को आप जमा दोगे और दही बनाकर मक्खन निकालोगे सरोवर में डालोगे तो नाचता रहेगा। ऐसे ये संसार दुखालय है और आपका मन है दूध। अगर इस संसार से सुखी होने के लिए दुखालय संसार में मन को डालते हो तो मन छिन्न भिन्न हो जाएगा। न इधर के रहे न उधर के रहे, न संसार काम में आया न मन का कोई ठिकाना, आवारा हो जाएंगे। अगर सत्संग सुनकर जप ध्यान करके मन में से भगवत मक्खन निकाला फिर संसार में रहे तो आपके लिए संसार नारायणालय हो जाएगा। वही संसार दुखालय नरक है और वही संसार सुखालय नारायणालय हो जाता है। तो चलो नारायणालय की तरफ अपन चलते, ठीक है। श्वास अंदर जाए ओ मन वो अंतरात्मा परमेश्वर, बाहर आए तो गिनती कम से कम 25 की गिनती कर लो बिना गलती के। अब भी रोज तो 100-200 की गिनती करो तो ये दुखालय संसार तुम्हारे लिए नारायणालय हो जाएगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।